नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। हम हर रोज रोजगार से जुड़े टॉप 5 समाचार को भी लेकर आते हैं। इसके लिए आप बस हमारे यूट्यूब चैनल GOV PBT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अपडेट्स तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में मुफ्त में मिलेगा अब घर का नक्शा। अब बिहार में घर का नक्शा बनवाने के लिए आम नागरिकों को एक भी रुपया नहीं देना होगा। बिहार सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। इससे पहले घर का नक्शा बनवाने के लिए 150 रुपए की राशि देनी होती थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं करना होगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस बात की जानकारी दी है। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने निकाली रिक्तियां। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी के लिए 865 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा इन ANM का होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 मार्च तक statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं बिहार के जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे सुरेंद्र झा उर्फ सुमन की। बिहार के समस्तीपुर जिले में जन्मे सुरेंद्र झा मुख्य रूप से एक मैथिली कवि, लेखक, प्रकाशक, संपादक और विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्य थे। उन्हें प्रकाशक, संपादक, पत्रकार, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारक और मिथिला संस्कृति के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने मैथिली में लगभग 40 पुस्तकों का लेखन किया है और मैथिली, संस्कृत और हिंदी में विभिन्न प्रकाशनों और पुस्तकों के संपादक भी थे, जिसके लिए उन्हें कई सारे सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। सीतामढ़ी की कमान एक दिन के लिए गई लड़कियों के हाथ में। फिल्म नायक की तरह ही सीतामढ़ी की कमान एक दिन के लिए वहां की लड़कियों के हाथ में सौंप दी गई थी, जिसके तहत एक दिन के लिए सीतामढ़ी के DM और SP की कुर्सी की कमान सरकारी स्कूल की छात्राओं को सौंपी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इन सभी छात्राओं ने 24 घंटे के अंदर सभी अधिकारियों को समय से काम करने की नसीहत दी। साथ ही साथ कई मामलों को समाधान जल्द से जल्द निकालने का आदेश भी जारी किया था। बिहार कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, 13 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। बिहार कैबिनेट की बैठक सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है, जिसमें कुल मिलाकर 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इतना ही नहीं, इस बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं, जिसके तहत वन एवं पर्यावरण विभाग में पद सृजित करने का फैसला लिया गया है। वहीं DPR बनाने वाली एजेंसी के लिए भी 8 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। वहीं इस बैठक में किसानों के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। वैशाली के कुटागार शाला विहार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कुटागार शाला उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां भगवान बुद्ध बारिश के मौसम में अपने वैशाली प्रवास के दौरान रहते थे। इसके बाद गुप्ता अवधि के दौरान दूसरे चरण में एक ऊंचा मंदिर में विस्तार किया गया था और अंत में गुप्ता अवधि के बाद तीसरे चरण में कई दीवारें प्रदान कर मंदिर को मठ में परिवर्तित किया गया था। बिहार पुलिस के स्टेनो ASI के लिए आवेदनों की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार पुलिस के स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने 133 पदों पर आवेदनों की मांग की है, जिसके लिए अब अभ्यर्थी बिहार पुलिस सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही वहां से आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी ले सकते हैं। वित्त रहित डिग्री कॉलेज के लिए बिहार सरकार लेकर आई नई सौगात। प्रदेश के वित्त रहित डिग्री कॉलेज के लिए बिहार सरकार ने अहम ऐलान किया है, जिसके तहत प्रदेश के लगभग 80% वित्त रहित कॉलेज को अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं आपको बता दें, अनुदान की सूची में शामिल होने वाले ये सभी विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा किए गए वेरिफिकेशन में सही पाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा विभाग ने करीब 500 करोड़ की योजना को सरकार के पास भेज दिया था। इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रेजेंटेशन देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही बड़ी बात। बीते बुधवार को उद्योग विभाग के इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई अहम ऐलान किए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी बिहार में ई रिक्शा निर्माण का काम करवाना चाहती है तो जरूर करवाए, सरकार की तरफ से उन्हें इसका फायदा जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे इलेक्ट्रिकल वाहन धारकों को इंसेंटिव देने का भी दावा किया है। होली में ट्रेनों में घर आने वालों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने होली के दौरान स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को शुरू करवाया है, मगर होली के लिए ही शुरू की गई इस ट्रेन में काफी संख्या में बर्थ खाली ही मिल रहे हैं, जबकि नियमित ट्रेनों में आरक्षित श्रेणियों में काफी लंबी वेटिंग लिस्ट जारी है। होली में घर आने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि रिजर्व सीटों के लिए लोगों की कसाकसी जारी है। शायद ट्रेन के सही जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। सीतामढ़ी में एक और व्यक्ति में कोरोना के होने की आशंका। चीन से निकले कोरोना ने अपनी पैठ दुनिया भर में बनानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में अब इसका असर भारत के भी कुछ राज्यों में देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार की बात करें, सीतामढ़ी में एक और कोरोना के लक्षण के होने की आशंका जताई गई है। खबरों की माने तो सीतामढ़ी का रहने वाला आलम हाल ही में चीन से पढ़ाई करके वापस लौटा है। हालांकि अभी आलम में कोरोना के होने की पुष्टि नहीं हुई है।
घरेलू गैस का नया प्लांट हुआ शुरू। सभी बिहारवासियों के लिए खुशखबरी, घरेलू गैस की समस्याओं से जूझ रहे सभी लोगों को जल्द ही निजात मिलने जा रहा है। खासकर कि त्योहारों के समय में लोगों को गैस मिलने में भारी समस्या से होकर गुजरना पड़ता है, मगर अब चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मुजफ्फरपुर, बरौनी और आरा के बाद अब बांका में भी नए एलजीपी प्लांट का उद्घाटन कर दिया गया है, जिससे कि अब आम नागरिकों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी। एडमिशन लेने से पहले सीबीएसई की लिस्ट देखना ना भूले अभिभावक। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी अभिभावकों को अधिसूचित करते हुए यह कहा है कि किसी भी सीबीएसई स्कूल में दाखिला करवाने से पहले सभी अभिभावक सीबीएसई की सूची को अच्छे तरीके से देख ले, क्योंकि 31 मार्च के बाद कई बड़े स्कूलों की मान्यता रद्द होने वाली है, जिसकी जानकारी सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट पर साझा कर दी गई है। राज्य कर्मियों को अब साल में 2 दिनों की मिलेगी छुट्टी। बिहार सरकार ने अपने जल जीवन हरियाली यात्रा से लोगों को जागरूक करवाने के लिए साल में 2 दिनों के लिए छुट्टी देने का ऐलान किया है। खबरों की माने तो राज्य सरकार का यह फैसला जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए लिया गया है, जिसको लेकर बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि सरकार इस छुट्टी को लेकर अभी विचार विमर्श कर रही है, सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। दिल्ली में चिराग पासवान ने बिहार में विकास का किया दावा। दिल्ली पहुंचे लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों के हर सवाल का जवाब बेहिचक दिया। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा के तहत मैं हर जिले में जाकर लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जान रहा हूं। हमें यकीन है कि जीत एक बार फिर से हमारी होगी। हम अब तक बिहार के लिए विकास का काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रेम कुमार ने बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर को विकसित करने का किया दावा। बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने बिहार विधानसभा सत्र के दौरान कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जमकर वर्णन किया है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के लगभग 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित करने की भी बात कही है, जिसके लिए सरकार की तरफ से 155 करोड़ रुपए की स्वीकृति और सभी 38 जिलों में कृषि व्यवस्था को मजबूत करने का भी ऐलान किया गया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बने सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग 2020 कार्यक्रम का हिस्सा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग 2020 कार्यक्रम का हिस्सा बने लंदन पहुंच गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया साइट से साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में लगभग 60 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। वहीं भारत का प्रतिनिधित्व करने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे गए हैं। कोरोना को लेकर सरकार ने आरएमआरआई में जांच की व्यवस्था करवाई। कोरोना के भारत में पहुंचते ही बिहार सरकार अपनी तरफ से तैयारियों के सिलसिले में जुट गई है, जिसके तहत पटना के आरएमआरआई में कोरोना की जांच की व्यवस्था करवाई गई है। इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर पर भी मेडिकल कैंप का आयोजन करवा दिया गया है। वहीं बिहार के सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों की जाँच पड़ताल की सुविधा भी की गई है। होली मिलन समारोह से दूरी बनाने का हुआ ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होली मिलन समारोह से जाने से इनकार के बाद अब बिहार भाजपा के अधिकारियों ने भी होली कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पटना के मिरर स्कूल में आयोजित होने वाले होली के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया था, जिसके बाद अब भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने भी यही फैसला लिया है। अब चले बढ़ते मौसम के खबरों की ओर। ठंड का असर अब लगभग खत्म हो चुका है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, छपरा, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने की भी संभावनाएं हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावनाएं हैं। वहीं हवा चलने की वजह से बादलों का आना जाना लगा रह सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 4 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,320 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,480 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,100 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.25 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 68.76 रुपए प्रति लीटर था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में इन 3 खिलाड़ियों की हो सकती है छुट्टी। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की टीम से मिली लगातार हार के बाद अब भारतीय टीम 12 मार्च को होने वाले मैच में कुछ बदलावों के साथ उतर सकती है। क्रिकेट जानकारों की माने तो टीम में हार्दिक पांड्या और शिखर धवन की वापसी हो सकती है, वहीं शिवम दुबे, मयंक अग्रवाल के बाहर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी टीम के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मगर भारतीय टीम में बदलाव होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। गो एयर ने निकाला अपना समर सेल। विमान से एक न एक बार सफर करने की इच्छा हर किसी को होती है, मगर टिकट के महंगे दाम के कारण कई लोगों का सपना धरा का धरा रह जाता है। लेकिन गो एयर ने हाल ही में आम नागरिकों के लिए टिकट के दाम में रियायत दी है।
लो कॉस्ट एयरलाइन गो एयर ने हाल ही में अपना समर सेल जारी किया है, जिसमें डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट के दाम को 955 रुपए से शुरू की गई है। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट का दाम 5,799 रुपए से शुरू किया गया है। गूगल ने हैंगआउट मीट ऐप को किया फ्री। दुनिया भर में फैल रहे कोरोना के चलते कई ऑफिस और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जहां ऑफिस वालों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, वहीं छात्रों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। स्थिति को देखते हुए गूगल ने एक राहत भरा कदम उठाया है। कंपनी ने सभी जी सूट यूजर्स के लिए अपने प्रीमियर हैंगआउट मीट फीचर को फ्री में उपलब्ध करवा दिया है, जिसकी जानकारी गूगल के सीईओ ने खुद अपने आधिकारिक वेबसाइट से दी है। हनी सिंह का नया गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर करने लगा ट्रेंड। बॉलीवुड के मशहूर रैपर हनी सिंह काफी समय से टीवी की दुनिया से बाहर चल रहे थे। लंबे इंतजार के बाद अब जाकर हनी सिंह का एक नया गाना लोगों को सुनने में मिला है। लोका नाम का यह गाना रिलीज होने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड भी करने लगा है। हनी सिंह का यह गाना पार्टी सॉन्ग है और अब यह उनके फैंस को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है विकी कुमार, संजय कुमार, अमरेश चौधरी, अजीमा फिरदौस, राकेश रंजन यादव, अनिल सिंह खरवर, कुंदन भारती, कृष्णा कुमार, दीपक कुमार, राकेश वर्मा, अमित भगत, रंजीत शाह, सत्यम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार जल जीवन हरियाली परियोजना के तहत प्रचार प्रसार के लिए सरकार द्वारा 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान कितना सहायक साबित होगा, कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।